मेरा नाम राधा किशन है, मैं कानपुर से आया हूँ। ये मेरा लड़का है और हमको आने बहुत खुशी हुई कि आप मिल गए हमको यहाँ और आपके पास मिलकर इतना वो इंजॉय हो गया जी। पूरे घर परिवार से आ गए और घर परिवार से तो मिल भी गए जी। हेलो सप्लीमेंट सलाह फैमिली, तो यहाँ पर जो है बेटे आए हैं अपने पिताजी के साथ सप्लीमेंट लेने के लिए। अमित हमारे पुराने फैमिली मेंबर हैं। अमित कहाँ से आए हैं? कानपुर से। कानपुर से आए हैं तो सबसे पहले मैंने मोस्ट वेलकम किया। काफी लेट आए हैं, 9:30-10 बज रहे हैं अभी इस टाइम। तो यहाँ पर मैंने बोला मैंने कि पहले आप डिनर करो, उसके बाद में हम जो सप्लीमेंट की बात करेंगे। और अमित पहले मंगा चुके हैं ऑनलाइन आप? जी सर, पहले मंगा चुके हैं सप्लीमेंटेशन पूरा। इन्होंने बिल वगैरह सारी चीजें मुझे दिखाई। तो आज ये स्पेशल मिलने के लिए आए तो मेरा दिल खुश हो जाता है जब इतनी दूर से कोई आता है। बाकी पूरी कंप्लीट वीडियो पहले खा लें, तसल्ली से डिनर कर लें, उसके बाद बनाएंगे। तो आप भी जुड़े सप्लीमेंट सलाह परिवार से, क्योंकि हमें फैमिली है, फैमिली की तरह हम चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आए हैं, मतलब लेट नाइट, मतलब जो है विजिट है इनका कानपुर से। और देखो मेरा दिल सबसे ज्यादा खुश हो जाता है जब कोई पेरेंट्स आते हैं ना अपने बच्चे को सप्लीमेंट दिलाने के लिए, तो इसका मतलब है हम जीत रहे हैं। सप्लीमेंट वाला जीत रहा है, विश्वास अब जम रहा है। तो यहां पर पिताजी आए हैं अपने बेटे को सप्लीमेंट दिलाने के लिए कानपुर से। तो सबसे पहले मैं सैल्यूट करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है अमित और पिताजी, तो मेरे पिताजी समान है तो पैर छूंगा मैं इनके। दोस्तों इतना प्यार, इतना सपोर्ट, मैं इसका एहसान, इसका बदला जिंदगी में कभी नहीं उतार सकता, क्योंकि मैं बड़ा ही मतलब जो है छोटा साधारण सा आदमी हूं और मेरे को इतना प्यार मिल रहा है यार, इसका मतलब मुझे सब मिल गया है। तो दोस्तों मैं जानूंगा यहां पर भाई से कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या कारण है, कैसा फील हुआ उनको यहां आके। और पहले भी ये मंगा चुके हैं सप्लीमेंट्स मिला से ऑनलाइन, पर आज ये स्पेशल मिलने के लिए आए हैं। तो मैं जरा इंट्रोडक्शन लेता हूं अमित का सबसे पहले। अमित, मेरा नाम अमित है, मैं कानपुर से आया हूँ जी। और कितना दूर है यहाँ से कानपुर? 400 किलोमीटर। तो कब के चले हैं आप? सुबह 9 बजे के। 9 बजे के आप चले हैं? हाँ। और आपने पहले सप्लीमेंट मंगा चुके हैं? हाँ, मंगाया था मैंने आरसी किंग मास मंगाया था। तो पहुंच गया था? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं आई थी? नहीं। अच्छा, सप्लीमेंट वाला की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला था? बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट मिला। और कोई साइड इफेक्ट वगैरह, कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं, कुछ नहीं। और रिजल्ट आए थे 100% जी। और अब आप स्पेशल मिलने के लिए आए? हाँ यस सर। और अमित मुझे बताओ कि अब क्या बॉडी गोल है, क्या चाहते हैं आप? गेनिंग करना चाहते हैं। गेनिंग करना चाहते हैं आप? तो भर जाए, शरीर भर जाए। और यहाँ पर जो है हम जो है अमित के पिताजी से भी जानते हैं, क्या नाम है, कहाँ से आए और कैसा फील हुआ इनको यहाँ का, सबसे पहले पिताजी से जानते हैं जी। मेरा नाम राधा किशन है जी, मैं कानपुर से आया हूँ जी। ये मेरा लड़का है जी, और हमको आने बहुत खुशी हुई कि आप मिल गए हमको यहाँ और आपके पास मिलकर इतना वो इंजॉय हो गया जी। और मुझे मुझे बताइए अंकल जी, आपकी मतलब आपको बिल्कुल यहाँ पर आकर ऐसा तो नहीं लगाना किसी अनजान जगह जा रहा हूँ? ऐसा नहीं है जी। पूरे घर परिवार, पूरे घर परिवार से आ गए और घर परिवार से तो मिल भी गए जी। दोस्तों यही प्यार और विश्वास है जिसके ऊपर सप्लीमेंट्स विला काम कर रहा है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। और अमित से पूछूंगा, अमित क्या आपको कैसा फील हुआ यहाँ? बहुत अच्छा भैया, मतलब पूरी फैमिली वाली फील है ना? बिल्कुल फैमिली वाली, मतलब जो मैं वीडियोस में बताता हूँ, जो वीडियो बनाता हूँ, बिल्कुल सेम ऐसी फील है। बिल्कुल बिल्कुल भैया। दोस्तों यही तो है विश्वास और प्यार जिसको लेकर हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर अब मैं जो है जानूंगा क्या सप्लीमेंट इन्होंने लिया है, क्या नहीं लिया है। और मैं एक बार जो है यहाँ पर मैंने काफी जो है अमित से किस्से सुने जो है अंकल जी के बारे में। अंकल जी जो है बता रहे थे, अंकल जी आप डेली एक्सरसाइज करते हैं? आज भी। कितनी है एज है आपकी? हमारी है 70 के लगभग है। 70 एज है और आज भी डेली सुबह वर्कआउट? सुबह 4 बजे उठ जाते हैं आप? यस। और कम से कम 5 किलोमीटर टहलता हूँ। 5 किलोमीटर? यस जी। और उसके बाद कसरत करता हूँ जी, फिर उसके बाद नहा धोकर पूजा पाठ करता जी। दोस्तों देखिए यहाँ पर देखो कितनी अच्छी दिन चल रहा है, हमारे बुजुर्गों से हमको सीखना चाहिए। और यहाँ पर मैंने ना एक चीज नोटिस भी की थी, अभी जो है डिनर वगैरह सब जो है अंकल जी भी कर रहे थे, अमित भी कर रहे थे, बट मेरे को सच में यार बड़ा अच्छा भी लगा। और मैंने अमित को बोला भी, मैंने कहा यार अमित थोड़ा सा तो सीख ले यार। अमित की जो डाइट थी ना, खुराक थी, मैंने देखा कि अंकल जी से कम थी वो। और इतना कम क्यों खा रहे थे भाई, क्या चक्कर है? अरे भूख कम लगती, थोड़ी भूख कम लगती है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्सरसाइज का कितना बड़ा रोल है। अंकल जी आज भी 4 बजे उठते हैं, 5 किलोमीटर सैर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए इनकी खुराक भी खुली हुई है। तो यहाँ पर समझें आप इस चीज को कि बॉडी को आप डिमांड करने दीजिए, कैसे करेगी वो, उसको आप एक्सरसाइज कीजिए, उसको आप थोड़ा सा कसरत कीजिए, वो खुद से डिमांड क्रिएट करेगी। और पानी पीजिए जी, पानी कम से कम 5-7-8 लीटर पीना चाहिए डेली, कभी आज बीमार नहीं पड़ेगा जी। दोस्तों यहाँ पर देखो यही चीज है कि अपने माँ बाप से, बुजुर्गों से हमको यही सीखने को मिलता है, आप भी सीखे 70 की उम्र में, ये फिटनेस बड़ी अच्छी बात है, सैल्यूट है। और यहाँ पर जो है अंकल जी भी जो आपको सलाह दे रहे हैं, तो आप भी माने इस चीज को।
और यहाँ पर मैं जो है अब पूछूंगा अमित ने क्या क्या सप्लीमेंट लिया, अमित दिखाइए क्या क्या लिया है आपने यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर पूरा सप्लीमेंट स्टैक इन्होंने लिया है, पहले इन्होंने आरसी लिया था जिनसे इनको गेनिंग कम हुई थी, बट कह रहे थे भैया फिर भी ठीक था कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि आरसी देखो गेनिंग कम करा था, बट इनका जो वजन स्टिल जो है 40 किलो इनको करना है यार 50 प्लस हो जाए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो इनको जो प्रॉब्लम इन्होंने बताई गट पावर, भूख बढ़ाने की नेचुरल गोलियां हैं ये, तो ये भूख थोड़ी इंक्रीज करेंगे पर ये मत समझना पेट को कुआ बना देंगे, वो डेक्सोना वगैरह जो मेडिकल स्टोर पे आती है वो नहीं है, ये आपकी नेचुरली भूख बढ़ाएगी। इसके साथ में लिया है टेस्टो पावर नेचुरल साइज गेनिंग टैबलेट्स के नाम से मशहूर है, इसमें अश्वगंधा शतावर सफेद मुसली कोंच बीज ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। और मैं अंकल से बोलूं अंकल जी आपने भी इनका नाम सुना होगा अश्वगंधा शतावर वगैरह का, काफी बेनिफिशियल रहते हैं बिल्कुल जी, और पुराने टाइम से सभी खाते मेरे हिसाब से। आज आप अंग्रेजी दवा नहीं लेता हूँ, आयुर्वेद दवा लेता हूँ आज भी। तो दोस्तों ये चीज समझें आप कि इतनी पुरानी औषधियां हैं ये राजा महाराजाओं के टाइम से चली आ रही हैं यार, तो इसमें वही मिलेंगी आपको, कोई गलत चीज नहीं है ये, और आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, आपकी जो हड्डियां मजबूत होगी, कैल्शियम D3 वगैरह सब है इसके अंदर। इसके साथ यहाँ पर भाई ने लिया है क्रेडीन स्टार एक्स न्यूट्रिशन का क्रेडीन। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊँ, मुझे अमित ने बताया था हमने GNC क्रेडीन मंगाया था पर इन्होंने यूज नहीं किया था क्योंकि किसी ने इनको बोल दिया कि आपको पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। मैं आपको एक बताना चाहूंगा यार पानी भी ज्यादा नहीं पी सकते आप, और यहाँ पर अंकल जी भी आपको बता रहे हैं कि 6-7 कम से कम लीटर पानी पीना चाहिए, 7 लीटर पानी पीने चाहिए जी, और ये पानी जी कभी बीमार नहीं हो सकता आदमी, कभी बीमार नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है भाई ने जो है क्रेडीन लिया है, पानी अब ज्यादा पियेंगे, क्रेडीन स्ट्रेंथ गेनिंग कराएगा, और यहाँ पर भाई ने इसी के साथ लिया है स्टार एक्स न्यूट्रिशन का पावर मास गेनर, इस टाइम मोस्ट ट्रेंडिंग मोस्ट डिमांडिंग और बहुत ही अच्छा इसके रिव्यूज हैं, 3 किलो में 4 से 5 किलो तक वेट गेनिंग का रिव्यूज है इसका। बट दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, मैंने अमित को बोल दिया मैंने भाई अगर खुराक में तुमने कमी छोड़ी ना तो मामला फेल है, क्योंकि जादू चमत्कार नहीं है ये, रिजल्ट तो आएंगे पर आपको लेनी पड़ेगी डाइट अच्छे से मतलब ठोक कर, और बाकी काम करेगा सप्लीमेंट। और मैंने बोल दिया भाई को मैं पीछा तो भाई का छोड़ूंगा नहीं, इन्होंने जनवरी में मंगाया था अपने सप्लीमेंट, जनवरी में मंगाया था इन्होंने, उसके बाद अब ले रहे हैं ये, तो वजन तो बढ़ के रहेगा चाहे कुछ हो जाए पर खुराक का विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये कंप्लीट सप्लीमेंट स्टैक आप भी ले सकते हैं, प्राइस की बात करूं 3,000 रुपए का है पावर मास गेनर, 1,150 रुपए की है गट पावर, 1,550 रुपए का है यहाँ पर टेस्टो पावर, और 1,000 रुपए की क्रेडीन। तो ये कंप्लीट सप्लीमेंट स्टैक मिला है भाई को ओरिजिनल विद GST बिल, तो ये GST बिल है जिसके ऊपर सप्लीमेंट्स लगा, GST नंबर, FS लाइसेंस नंबर, स्टैम्प, सिग्नेचर, सारी चीजें मेंशन है। नो डाउट देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई ने 1,200 का टैक्स भी पे कर दिया, देखो फेक माफिया फंसाता है यार, इतना सस्ता उतना सस्ता, और नए बच्चे फंसते भी हैं क्योंकि सस्ता सस्ता जल्दी जल्दी के चक्कर में फंस जाते हैं, उसके बाद फिर साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बात अलग। मैं एक बार पूछना चाहूंगा अमित मुझे बताओ आप कानपुर से यहाँ तक आए हैं वापस भी जाएंगे आप, मेरे हिसाब से कम यार 1,500-2,000 रुपए का तो खर्चा हो गया होगा, बिल्कुल इतना तो किराया लग गया, तो इतना किराया लग गया उसके बाद में 1,200 का टैक्स भी यहाँ पे किया है। मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पर अमित से क्या फर्क पड़ा, जहाँ सेहत का सवाल है क्या 1,000-2,000-4,000 रुपए मैटर करते हैं, अमित ही बताएंगे। अमित बिल्कुल नहीं भैया जी, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा जी, सेहत पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है, पैसा सेहत क्या कोई वैल्यू नहीं रखता है जी, पैसा अपनी जगह है मगर सेहत अपनी जगह है जी, पैसे क्या वैल्यू है आज है कल नहीं है बिल्कुल, और सेहत में नहीं हमसे कोई ले तो नहीं लेगा जी, यहाँ आएंगे तो असल मारपीट करके निकल लेंगे जी। समझ गए दोस्तों, यहाँ पर देखो अंकल जी कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा अंकल जी जो नए बच्चे हैं वो पैसा बहुत देखते हैं, सस्ते के चक्कर में फंस जाते हैं, साइड इफेक्ट्स, आप नए खाते जी वही धोखा खाते हैं, तो क्या सलाह देना चाहेंगे नए बच्चों को? नए बच्चों को सलाह दें कि पैसों को मत जाइए जी, अपनी सेहत को देखो, अपना शरीर देखो जी, और अपने तंदुरुस्ती का विशेष ध्यान रखो, ना कोई इसको चुरा पाएगा ना कोई बांट पाएगा। तो दोस्तों समझे आप इस बात को, सेहत ऐसा धन है जिसको कोई चुरा नहीं सकता ना कोई बांट सकता, कोई बांट नहीं सकता, कितनी अच्छी सलाह दी है। नैतिक शिक्षा में 7वीं क्लास में पाठ पढ़ा था हमने और आज फिर से पाठ पढ़ने को मिला है। तो सेहत बड़ा अनमोल खजाना है, 200-400-2,000-4,000 रुपए के ऊपर खराब मत करो, इतना सस्ता उतना सस्ता, ये वीडियो वो वीडियो, बचो इस फेक माफिया से और जुड़ो सप्लीमेंट्स वाला परिवार से। और सप्लीमेंट्स वाला पर सबसे ज्यादा पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेकर, क्यों आते हैं? क्योंकि यहां है विश्वास, यहां है परिवार, यहां है फैमिली वाली फील, जो कि अंकल जी ने बता दिया है पूरा घर परिवार की तरह। अभी यार 70 साल की इनकी उम्र है, ये तो झूठ नहीं बोल सकते ना, चलो अमित की तो मैं मान सकता हूँ, चलो इसको वहम हो गया होगा कि यहाँ पर फैमिली वाली फील है। अंकल जी से पूछूंगा, अंकल जी पूरा परिवार वाली बात लगी ना, और क्या, यहाँ कोई गलत बात है ही नहीं है जी, और ना कोई गैर है जी, मिल गए, ये बहुत खुशी वाली बात है कि आप लोग सब मिल गए और पूरे परिवार सब मिलजुल के सब काम सब निपट गया जी। दोस्तों यही है फैमिली वाली फील, तो आप भी जुड़े हैं यार,
मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ आपको। तो यहाँ पर भाई ने पूरी बात बताई दी है, तो आप भी ले सकते हैं ओरिजिनल सप्लीमेंट फिलहाल से पूरा स्टैक ले सकते हैं, यहाँ पर क्रिएटिन मास गेनर वगैरह पूरा स्टैक। और रिजल्ट तो आएंगे, क्यों आएंगे रिजल्ट, क्योंकि पीछा मैं अमित का छोड़ूंगा नहीं, जब तक अमित को तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। और तोड़ने का मतलब मुझे मार पिटाई नहीं करनी भाई के साथ, तोड़ने छोड़ने का मतलब है मुझे भाई का ख्याल रखना है अपने छोटे भाई की तरह, और मैं ख्याल रखूंगा। तो आप भी जुड़े सप्लीमेंट सलाह परिवार से, यहाँ पर ये अमित ने वीडियो बनवाई, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके दिल से धन्यवाद है। और मतलब कानपुर से यार इतना दूर से मतलब आगे मैं सैल्यूट करता हूँ, और मैं तो यहाँ पर रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि अंकल जी से भी कि अंकल जी अगर आप रुके आज रात को तो मेरा बड़ा भाग होगा। ये नहीं मैं जाऊँगा जी, अंकल जी जाएंगे वापस, कह रहे हैं कि नहीं मैं सुबह तक अपने घर पहुँच जाऊँगा। मैंने कहा अंकल जी ये भी आपका घर है, अगर रुक जाएँ तो यार मेरा भाग होगा ये, पर आपका हुक्म है, आपका आज्ञा है, शर्माते हैं मेरे, बट मैं आपके आपको वादा देता हूँ अंकल जी को कि आपके बच्चे की सेहत में बनवा के छोड़ूंगा चाहे कुछ हो जाए। पर भैया अमित को भी वादा करना पड़ेगा कि भैया खुराक तो खानी पड़ेगी, वरना अंकल जी से मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से, अंकल जी अपने दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, अगर मैं खाऊं और मेरे छोटे भाई अमित के शरीर को लग जाए ना, मैं खा लूंगा इसकी जगह, पर खाना पड़ेगा अमित तुझे। अमित तो वादा करो सबके सामने कि आप डाइट पर विश्वास पूरा रखोगे, डाइट पूरा विश्वास, पक्की बात है, तो पूरा ख्याल रखेंगे, बाकी ख्याल अमित का मैं रखूंगा, मेरे छोटे भाई। दोस्तों आप सबको मैं फैमिली कहने के लिए फैमिली नहीं बोलता, मैं दिल से मानता हूं फैमिली आपको। तो आप जुड़े परिवार से और सस्ते के चक्कर में ना पड़े। तो ये वीडियो बनवाई, एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके लिए दिल से धन्यवाद है। और यहां पर जो फिर से अंकल जी के पैर ही छूऊंगा मैं, ये मेरे लिए भाग की बात है। आप जुड़े परिवार से, आज के वीडियो में इतने की बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए।